स्ट्रगलिंग टाइम से जब मैं स्ट्रगल दोनों स्ट्रगल कर रहे थे मेरा कुछ ज़्यादा स्ट्रगल था सचिन दर जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते थे बहुत अच्छे डायरेक्टर है बहुत अच्छे राइटर है तो ये आई स्क्रिप्ट लेकर आके कहा कि राखी ये नेगेटिव रोल है अरुणा ईरानी जी हेलन जी बिंदु जी उन्होंने ऐसे कैरेक्टर किए हैं तो राखी तुम्हें ये कैरेक्टर करना है बिकॉज तुम्हारा वो फेस है तुमने बहुत डांस किया बहुत आइटम सॉन्ग किए अब थोड़ा एक्टिंग करो तो मैंने तो सचिन सर को किया ऐसे मैंने कहा कि मैं तो ऐसे भी रियल लाइफ में भी एक्टिंग करती हूँ तो उन्होंने कहा नहीं राखी तुम्हें इस फिल्म में करना है बहुत तगड़ा रोल है बहुत बढ़िया है इसमें बिल्कुल आइटम सॉन्ग नहीं था तो सचिन सर जी को उसमें विश्वास था और मुझे नहीं पता कि मैं इनके विश्वास पे खरी उतरी हूँ कि नहीं 100% थैंक यू सो मच बट मेरा एक भी सीन दिखाई नहीं दिया बट नो प्रॉब्लम इस फिल्म में जरूर दिखाई देगा मुझे नहीं पता तो बिल्कुल हाँ लेकिन मुझे अभी बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि आपने मेरी डबिंग नहीं करवाई क्योंकि आपको मेरी आवाज भी पसंद है दोस्तों क्या मेरी आवाज इतनी बुरी है कौन बोलता फिल्म में राखी की आवाज नहीं है ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा ओके तो मेरे दोस्त सचिन दर ने मुझे मौका दिया एक्टिंग करने का इस फिल्म में उन्होंने बहुत बढ़िया डायरेक्शन किया है बहुत मेहनत करी है बहुत बढ़िया स्टोरी मुंबई की लड़की पर जिस बार गर्ल पर जो टॉर्चर होता है उनके साथ में कैसे टॉर्चर होता है वो एक लड़की अपनी जिंदगी कैसे जीती है और जूली जो कैरेक्टर है मेरा कि मैं एक बार डांस आलिया तो है ही है माशाल्लाह शी इज सो ब्यूटीफुल प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हर कम ऑन शी इज सो ब्यूटीफुल तो आलिया ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है बट राखी तो राखी है डायरेक्टर ने बोल दिया आराम से राखी तो मुझे ये मौका मिला मैंने एक्टिंग किया मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरी जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे फैंस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गॉड का और सबसे बड़ा शक्ति कपूर जी का कहाँ है मेरी शक्ति जी शक्ति जी है ना जी कहाँ है तो इस फिल्म में बिल्कुल एक आइटम सॉन्ग नहीं था पर शक्ति जी ने कहा सचिन दर तू राखी को ले रहा है पब्लिक को क्या दिखाएगा एक आइटम सॉन्ग तो रख राखी का तो एम आई राइट सचिन दर जी फिर मेरे डैडी राकेश जी ने बोला प्रदीप जी ने बोला एक बढ़िया गाना होना चाहिए तो फिर उन्होंने मुझे अच्छा कैरेक्टर दिया और बहुत बढ़िया गाना दिया मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकती हूँ कि आपको फिल्म रिलीज में दिखेगा कि नहीं ये गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ बट हाँ मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया तो मेरे लिए थोड़ी सी तालियां बनती है नहीं बनती थैंक यू सो मच गाइस आपने मुझे यहाँ पे मुझे ये फिल्म मिली और मेरा कमबैक हुआ और मैंने इस फिल्म में काम किया मैं मेरे डैडी को प्रदीप जी को मेरे फैंस को सचिन दर जी को रजी जी को हाशिमा को सबको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं एक बार बोलूं क्या पांच साल जो है ना पॉलिटिक्स की तरफ कम बॉलीवुड की तरफ ध्यान दीजिए अभी तो मैंने कहा था आई एम बैक व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट क्या बात है लाखी जी ये भी चूड़ियां चली चूड़ियां चली कैसी चली कि तो क्या बात हो गई थैंक यू और वैसे भी आपने जैसे आपने बोला ना फिल्म में आपका सॉन्ग कम हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता और आपका सॉन्ग दीदी परमिशन इज ऑलरेडी बिकम अ चार्ट बस्टर सो यू शुड हैव अप्लॉड फॉर दिस सॉन्ग दीदी परमिशन वाओ थैंक यू सो मच राखी जी एंड नाउ इट्स टाइम
जूस